Hello to everyone, welcome to Get Concept. So in this session we will solve some numerical on commutation circuit that are asked in GATE as well as EAC examination. Okay, so I will basically in this session I will solve all the problems, all the numericals related to the commutation circuit which are asked in the previous year of GATE and as well as EAC examination. Okay, so we have covered up to lecture number 4 in power electronics. So this is the lecture number 5 which will be based on the commutation circuit. Okay, so let's start the session today, and before starting the session please like and subscribe this channel, also share this channel to maximum group. Okay, so let's start the session today. और एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो भी मेरे क्लास लगते हैं यूट्यूब पे उसके सारे लिंक जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी लाइव क्लासेस होते हैं उनके जो लिंक है वो मैं पहले ही डाल देता हूँ। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ठीक है, हम लोग सेशन को शुरू करते हैं from this question. That is, first question, this question was asked in EAC examination in 2010, that in an LC series circuit connected to a DC supply of E volt via thyristor, when it turned off, the voltage that appears across the thyristor is, option number A, B, C, D are given, plus E, plus 2E, minus E and minus 2E. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट, वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एलसी सर्किट। सो अगर आप यहां आए हैं तो यहां आने से पहले एक बार लेक्चर नंबर 1 से 4 जो कम्युटेशन सर्किट पर बेस्ड है, एलसी सर्किट है, डायोड एलसी सर्किट विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, है ना, वोल्टेज कम्युटेशन सर्किट, करंट कम्युटेशन सर्किट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने कवर किए अप टू लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो वहां पे आप जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पे डिस्कस किया था एट स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एट स्टेडी स्टेट में क्या होता है, एट स्टेडी स्टेट जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अलोंग वो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ वीएस, वीएस इज द सोर्स वोल्टेज, यहां पे ई दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम केवीएल परफॉर्म करेंगे एट ए स्टेडी स्टेट तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली हमारा जो सर्किट होता है प्लस माइनस ई, यहां पर ई है और हमने इसको डायोड के कंसेप्ट से समझाया था, ठीक है। और यहां पर एलसी सर्किट है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली ये वोल्टेज पूछ रहा है किसके क्रॉस, थायरिस्टर के क्रॉस। यहां पर इस प्रॉब्लम में हमने जो कंसेप्ट बताया था वो डायोड को लेकर बताया था, लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है वो थायरिस्टर को लेकर है, ठीक है। तो ये एल है और ये सी है, इसके क्रॉस का वोल्टेज वी एल मान लेते हैं, इसके क्रॉस का वोल्टेज वी सी मान लेते हैं, यहाँ पे डायोड है, इसके क्रॉस का वोल्टेज वी डी मान लेते हैं, और ये सपोज करो टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ट्वाइस ऑफ वी एस, दैट इज ट्वाइस ऑफ ई। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार लेक्चर नंबर 1 से 4 देखिए, तो सारी चीजें को एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट टी जीरो पे पाई पे देखा था। तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर तुम केवीएल परफॉर्म करोगे तो इक्वेशन बनेगी माइनस वी क्लोज स्विच क्लोज करने के बाद, नाउ वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर जो कि हमसे पूछा जा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर कि जब वोल्टेज जब थायरिस्टर ऑफ होगा, जब थायरिस्टर ऑफ होगा, ठीक है ना, तो उसके क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, थायरिस्टर के क्रॉस का,
ठीक है। तो देखते हैं केवीएल लगा के, तो प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू जीरो। तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर के अलावा कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि थायरस्टर ऑफ हो चुका है तो करंट तो होगा नहीं, और करंट नहीं होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वी एल जीरो हो गया, बट स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा, हमने यहाँ बताया था कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है वो डिराइव करके बताया था, वी एस वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, प्लस वी सी ओ कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल की बात किए थे, तो अगर हम पाई की बात करें एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है, पाई जब पुट करोगे तो कॉस पाई माइनस वन तो ट्वाइस ऑफ वी एस, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो यहाँ पे क्या इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, ट्वाइस ऑफ वी एस, ट्वाइस ऑफ वी एस, तो यहाँ जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ वी एस। तो यही हम बात कर रहे थे कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ वी एस एट ए स्टेडी स्टेट, क्योंकि ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पे अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ट्वाइस ऑफ वी एस है, तो एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई प्लस पे भी क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज ट्वाइस ऑफ वी एस, ठीक है ना, बिकॉज कैपेसिटर डजेंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो ट्वाइस ऑफ वी एस हो जाएगा, कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए ओपन सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बिकम ट्वाइस ऑफ वी एस। तो यहाँ पे वी एस कितना है, ई है, तो ट्वाइस ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एस दैट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हेन द थायरिस्टर इज टर्निंग ऑफ देन व्हाट शुड बी द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर दैट इज ट्वाइस ऑफ ई, ओके, दैट इज प्लस ऑफ ई माइनस ट्वाइस ऑफ ई दैट इज माइनस ऑफ ई वोल्ट, माइनस ऑफ ई वोल्ट, ओके। तो वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर कितना आ गया, माइनस ऑफ ई वोल्ट आ गया, ठीक है। तो डिटेल्स में सारी चीजों को हमने कवर किया है, तो आप लेक्चर नंबर वन जाए, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप यहां देख रहे हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज माइनस ऑफ ई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट ऑफ फिगर द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो विथ आईएल जीरो इक्वल टू जीरो एंड वीसी जीरो इक्वल टू जीरो, मींस ऑल द इनिशियल कंडीशन आर गिवन दैट इज जीरो। इन द स्टेडी स्टेट वीसी इक्वल्स, अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट शुड बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, वी नो, अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ये डिस्कस किया है, वी नो इन एट स्टेडी स्टेट व्हाट शुड बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज ट्वाइस ऑफ वी एस, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज 100, है ना, ट्वाइस ऑफ 100 दैट इज 200 वोल्ट, ओके। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 200 वोल्ट, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 1992 फॉर 1 मार्क। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द सर्किट इन द फिगर इज अ करंट कम्यूटेटेड डीसी डीसी चॉपर वेयर टीएचएम इज द मेन एससीआर एंड टीएच एक्सिलरी इज द एक्सिलरी एससीआर, द लोड करंट इज कांस्टेंट एट 10 एम्पीयर, टीएचएम इज ऑन, टीएच एक्सिलरी इज ट्रिगर्ड एट टी इक्वल टू जीरो, टीएचएम इज टर्न ऑफ बिटवीन, ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवेन। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन गेट 2007 फॉर 2 मार्क्स, द डायग्राम इज शोन हियर। सो तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमने वीडियो के लेक्चर में दे रखा है, लेक्चर नंबर आई थिंक ये 2 और 3 में होगा, है ना, आई थिंक 3 में होगा,
तो आप देखें वहां पर कि किस तरह से करंट कम्यूटेशन सर्किट को बताया गया है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करेंगे। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो मेन थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 माइक्रोसेकंड से 25, 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 100 माइक्रोसेकंड। ओके, तो ये गेट का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो होता क्या है कि करंट कम्यूटेशन में हमने मोड वन मोड टू की बात की थी, है ना, मोड वन एंड मोड टू की बात की थी, मोड वन मोड टू एंड मोड थ्री की भी बात हमने यहाँ पे की थी, तो आई थिंक सबको याद होगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो अगर आप वहां वीडियो पे जाएंगे तो सारे चीजों को देख पाएंगे कैसे चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हमने T2 निकाला था, एक टाइम निकाला था T2। T2 वो टाइम है, T2 वो टाइम है, अगर आपको डायग्राम याद होगा जो हमने वेब फॉर्म बनाया था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट अक्रॉस द मेन थायरिस्टर, ठीक है, एज्यूमिंग द लोड करंट टू बी कॉन्स्टेंट। तो आप वहां पे देख पाएंगे कि ओमेगा टी इक्वल टू पाई, है ना, पाई के बाद जो T2 जो समय है उसके बाद T2 पे मेन जो थायरिस्टर है उसके अक्रॉस का करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अप टू टी टू क्या होता है कि मेन थायरिस्टर के अलोंग करंट फ्लो कर रहा होता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा मेन थायरिस्टर है वो ऑन है, कुछ एजम्पशन हमने एज्यूम किया था कि करंट कांस्टेंट है, वीसी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो, वीएस है, टीएम इज ऑन फॉर टी लेस देन जीरो, इस तरह से, ठीक है। तो हम वहां पे देखे थे कि एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा टी टू, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा टी टू करंट जो है इस मेन थायरिस्टर के अलोंग जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस समय पे ये मेन थायरिस्टर ऑफ हो रहा है। तो ऑफ हो रहा है तो जो भी समय निकलेगा T2 उससे ग्रेटर होगा, जो भी समय निकलेगा T2 वो उससे ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन में T2 फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो वहां पे उस वीडियो में हमने T2 को डिराइव किया था, ठीक है। तो T2 का जो इक्वेशन आया था हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी डिटेल्स कंसेप्ट के लिए आप जाएं वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 को देखें, 3 को देखें, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वहां पे देखेंगे करंट कम्यूटेशन वाले सर्किट में क्या क्या चीज हो रहा है करके, ठीक है। तो एक अगर हम कुछ वेवफॉर्म की अगर बात कर ले इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे, क्योंकि वेवफॉर्म ही मेन होता है ना, एक बार वेवफॉर्म को आप समझ गए तो सारी चीजों को आप समझ जाएंगे। ये T1 है, ये सारी चीज हमने बताई है वहां पे एक जगह। ये T2 है, सपोज करो ये एजप्शन है T2, इसके बाद T3, तो तीन मोड हम डिफाइन किए थे यहाँ पे, मोड वन मोड टू एंड मोड थ्री। दिस इज मोड वन, दिस इज मोड टू एंड दिस इज मोड थ्री। तो ये करंट का वेवफॉर्म है, आउटपुट करंट विच इज कॉन्स्टेंट एट आई नॉट, विच इज कॉन्स्टेंट एट आई नॉट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये फिगर बना हुआ है। उसके बाद मेन थायरिस्टर की अगर हम बात किए थे, मेन थायरिस्टर करंट की अगर बात करोगे तो मेन थायरिस्टर करंट T1 है, ये अप टू T2, ये अप टू T3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट है वो तो T1 मोड वन में आई नॉट के बराबर ही आ रहा था, आई नॉट के बराबर ही आ रहा था, ठीक है, और मोड टू में क्या हो रहा था, करंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके वो सब चीजों को आप देख पाएंगे, ठीक है। ये रहा इस तरीके से। और यहाँ पे हम कह रहे थे कि एनोड करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो जाएगा, और ये क्यों जीरो हो रहा था, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा था
और वो अपोज कर रहा था मेन थायरिस्टर के करंट को। तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टीए ऑन था एक्जिलरी थायरिस्टर, यहाँ पे एक्जिलरी थायरिस्टर ऑन था, ठीक है। तो ये सब चीज को हमको यहाँ पे डिस्कस करने की नीड नहीं थी, हम यहाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये मेन थायरिस्टर का कंडक्शन रीजन है, ठीक है। चलो इसके बाद हम वेवफॉर्म बनाए थे आईसी का, आईएम का है ये आईसी का। तो आईसी के वेवफॉर्म में ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म आता है, तो इनिशियली क्या करता है, इनिशियली डिस्चार्ज होता है और फिर ये मोड थर्ड में चार्जिंग प्लेस करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक साइनसोइडल वेवफॉर्म आया था, इनिशियली जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, फिर ये चार्ज हो रहा था, ठीक है ना, और एट द एंड ऑफ मोड टू ये कम्प्लीटली चार्ज हो रहा था, चार्ज हो गया था। तो इस तरह से चीज़ों को हमने बताया था, ठीक है। और फिर मोड थर्ड में ये आई नॉट पे कॉन्स्टेंट हो जाता है, मोड थर्ड पे ये आई नॉट पे कॉन्स्टेंट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वेवफॉर्म हम यहाँ बनाए थे, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था, उसके बाद जब तुम एक्चुअली थायरिस्टर को ऑन किए थे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है ना, कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा था। और जब टीए ऑफ हो गया, मतलब मेन थायरिस्ट, जब एक्चुअली थायरिस्टर ऑफ हो गया, ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से कंप्लीटली डिस्चार्ज है, तो यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज, ये वोल्टेज का कर्व है, ठीक है ना। और जब मेरा मेन थायरिस्टर ऑफ हो रहा था तो हमने बताया था कि जब मेन थायरिस्टर ऑफ होगा तो वोल्टेज इसके अलोंग क्या होगा, एक माइनस में मिलेगा, दैट इज द वी आर, एक ज़ूम किए थे हम यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली थायरिस्टर ऑफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली थायरिस्टर को तुम ऑन किए थे, ऑन इस तरीके से, ये पाई है और ये मोड वन है, ये पूरा का पूरा मोड वन है, ये पूरा का पूरा मोड टू है। और एट द एंड ऑफ मोड टू हमने देखा था कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो माइनस वी एस के बराबर हो रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से। और मोड थ्री के एंड में क्या हो रहा था, मोड थ्री के एंड में फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज, ठीक है, कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज इस तरीके से। और यहाँ पे मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया था, ये यहां से लेके यहां तक मोड वन है, यहां से लेके यहां तक मोड टू है, और इसके बाद यहां से लेके यहां तक मोड थ्री है, ठीक है। और फिर ये कांस्टेंट हो गया था वी एस पे। तो इस तरह से हमने बताया था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी हमने की थी कि वोल्टेज अक्रॉस द जो कैपेसिटर है, ये एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का वेवफॉर्म है। तो सारा चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, बाकी डिटेल्स आप वीडियो में जाके देखेंगे। तो वीसी हमने बताया था कि एट द एंड ऑफ मोड टू माइनस ऑफ वी आर, इस वेवफॉर्म से भी आप देख सकते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का इक्वेशन एलसी सर्किट में क्या होता है, ये हमें पता होता है, दैट इज द वी एस, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी, सॉरी, अगर सोर्स वोल्टेज जीरो है तो, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन क्या आया था वी सी का, वी एस वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस वी सी ओ कॉस ओमेगा नॉट टी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तो एक्चुअली थायरिस्टर को ट्रिगर किया जा रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, ओके, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज सोर्स से तो कनेक्ट है नहीं, एट द एंड ऑफ मोड टू है ना, एट द एंड ऑफ मोड टू, ठीक है, एट द एंड ऑफ मोड टू वीसीटी जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर था वो माइनस ऑफ वी आर था, और
ये जो वोल्टेज अगर उसका कैपेसिटर है वो वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, ये इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अलाउ, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज वी एस है जितना सोर्स है गिवन। चलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर किसके बराबर है एट द एंड ऑफ मोड टू, दैट इज एट द एंड ऑफ मोड टू, एट द एंड ऑफ मोड टू अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो फुल्ली कैपेसिटर चार्ज कब होगा, एट द एंड ऑफ मोड थर्ड, एट द एंड ऑफ मोड थर्ड। मोड थर्ड में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फुल्ली वो चार्ज हो जाएगा, है ना, एट द एंड ऑफ मोड थर्ड। मोड थर्ड में कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्ज, ठीक है ना। उस केस में जो मेन थायरिस्टर था और एक्सिलरी थायरिस्टर था दोनों ही ऑफ हो जाएंगे और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर जाएगा एट द एंड ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ मोड थ्री, और एट द एंड ऑफ मोड थ्री इट विल फुल्ली चार्ज बाय अ वोल्टेज दैट इज वी एस, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मोड टू की अगर बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना था, दैट इज माइनस ऑफ वी आर, तो इसको लिखोगे माइनस ऑफ वी आर, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, प्लस पाई ऐड करोगे, ये प्लस पाई तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि ये टी टू है ना, यहां से लेके यहां तक टी टू है टाइम, और ये यहां से लेके यहां तक क्या है पाई है, यहां से लेके यहां तक पाई है, ठीक है। तो ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी, तो अगर हम थीटा की बात करें तो ये पाई है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल में, थीटा क्या होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी टू, ठीक है। तो ओमेगा नॉट टी, ओमेगा पाई प्लस ओमेगा नॉट टी टू हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां से वी आर हम लिख सकते हैं माइनस वी एस कॉस पाई प्लस ओमेगा टी टू, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे अगर हम करंट की बात करें, यहां पे अगर हम करंट की बात करें तो करंट एट द एंड ऑफ मोड टू, एट द एंड ऑफ मोड टू कितना करंट है, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज आई नॉट, कितना है आई नॉट है, करंट तो आई नॉट है, लोड करंट कांस्टेंट है। तो अगर करंट की अगर हम बात करें यहां पे तो हमें इक्वेशन पता होता है वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन, ठीक है, ओमेगा टी टू इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि करंट का इक्वेशन यही आता है एलसी सर्किट में, दैट इज वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी टू, ठीक है। तो यहां से ओमेगा टी टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां से ओमेगा नॉट टी टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाई वी एस अंडर रूट सी बाई एल, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या होगा, इस समय में क्या होगा, मोड वन में तो डिस्चार्ज हो रहा था और मोड टू में क्या हो रहा था, मोड टू की अगर हम बात करें, अगर आपको याद होगा मोड टू की अगर हम बात करें तो मोड टू में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पहले का करंट माइनस में था, तो बाद में मोड टू में करंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यस, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमने देखा था कि करंट की जो इक्वेशन है वो वी एस माइनस वी सी अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी होता है ओवरऑल इक्वेशन। तो जब टी ओ को ऑन, जब टी ए को ऑन करोगे तो माइनस वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी होता है, और मोड टू में क्या होता है, मोड टू में हम देखे थे कि कैपेसिटर जो है मोड टू में कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होता है, मोड टू में फुल्ली कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो वहां पे टी ए ऑफ हो जाता है ना, और मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट होता है, वो कम होने लगता है, क्योंकि ये करंट जो है ना इस तरह से फ्लो करता है आईसी, तो आईसी इस मेन करंट को क्या करता है अपोज करता है, और जैसे जैसे आईसी करंट बढ़ती है वैसे वैसे ये करंट डिक्रीज कर जाता है और मेन थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जाता है, तभी तो हम कम्यूटेशन की बात कर पाते हैं, ठीक है, तभी तो हम कम्यूटेशन की बात कर पाते हैं। तो यहां पे तो करंट रिवर्स हो जाती है ना, करंट रिवर्स हो जाती है, इसीलिए यहां पे माइनस वी एस से हम इसको प्लस वी एस शो करती है, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, चलो इतना आसान नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप नहीं आएंगे, सबसे पहले वीडियो को देखेंगे,
ठीक है, तो ओमेगा नॉट टी टू कितना आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स छूट गया, साइन इनवर्स ठीक है ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वी सी वी आर ठीक है ना, अगर हम वी आर की बात करें तो वी आर यहां से निकाल लेते वी एस कॉस, और जब इस ओमेगा नॉट टी टू की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है ना, और ये आ जाएगा फाइनली कॉस, जब इसको आप यहां पुट करेंगे ठीक है, तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा दैट इज कॉस ओमेगा नॉट, कॉस ओमेगा नॉट टी टू ठीक है, तो यहां से वी एस कॉस और इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स, तो यहां से वी आर निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय वी एस अंडर रूट सी बाई एल इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा हमने वोल्टेज अक्रॉस द है ना वी आर निकालने का कंसेप्ट बताया था कि एट द एंड ऑफ मोड टू व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो मान लिया था हमने वी आर, तो वी आर कितना आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वी एस कॉस साइन इनवर्स आई नॉट बाई आई सी पी ठीक है ना, ये हमने डिराइव किया था, वेयर आई सी पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कैपेसिटर करंट दैट इज वी एस अंडर रूट सी बाई एल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है ना, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो जब थायरिस्टर, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जब थायरिस्टर, ये थायरिस्टर जब ऑफ हो जाएगा तो ऑफ कब होगा, एट द एंड ऑफ मोड टू, ऑफ कब होगा एट द एंड ऑफ मोड टू, तो मोड टू के एंड होने पर ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ऑफ टाइम निकाल लेते हैं कि जब ऑफ होगा तो ये टी टू, यानी बेसिकली हमसे टी टू पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन में हम धीरे धीरे पहुंचे हैं ना, धीरे धीरे पहुंचे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं इसे सॉल्व कर पाना, ये थॉट प्रोसेस, ये जो इसका थॉट प्रोसेस है वो जबरदस्त है, इतना आसान नहीं। तो यहां से ओमेगा नॉट टी टू की जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे ठीक है, ओमेगा नॉट टी टू की जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे तो यहां दिख रहा होगा साइन इनवर्स आई नॉट बाय कितना था, साइन इनवर्स है ना आई नॉट बाय वी एस, ओके ये पूरे में साइन इनवर्स था, इस पूरे में साइन इनवर्स था वी एस अंडर रूट सी वाई एल इस तरीके से ठीक है। और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन बाई अंडर रूट एल सी, वन बाई अंडर रूट एल सी, तो टी टू कितना आ जाएगा अंडर रूट एल सी साइन इनवर्स आई नॉट डिवाइडेड बाई वी एस सी वाई एल इस तरीके से ठीक है। तो बेसिकली मुझे T2 फाइंड आउट करना है, तो T2 के बाद जो मेन थायरिस्टर है वो कम्प्लीटली ऑफ है ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट एल सी, तो L कितना है इस क्वेश्चन में 25.28 और 10 माइक्रो, दोनों माइक्रो में है ठीक है, तो अंडर रूट 25.28 इंटू 10, तो माइक्रो में है तो 10^-12 ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स जो लोड करंट है वो कांस्टेंट है लोड करंट दैट इज 10 एम्पियर है ना, लोड करंट कांस्टेंट है दैट इज 10 एम्पियर, तो 10 डिवाइडेड बाय वी एस, वी एस कितना है 230 अंडर रूट सी वाई एल है ना, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे सी वाई एल को तो सी कितना है 10 है ठीक है, सी है 10 और ये है 25.28, तो दोनों ही माइक्रो में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मुझसे ये टी टू पूछा जा रहा है ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो
टी टू कितना आएगा, 10^-6, तो माइक्रो ये बाहर आ जाएगा, तो माइक्रो सेकेंड की बात हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं सॉल्व करके, तो आप लोग भी करें इसको कि कितना आ रहा है। दैट इज 10/25.28, ठीक है। इसका अंडर रूट 5/sin-inverse, तो यहां पे आ जाएगा 3.96, और इधर है 15.899, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिग्री में है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई बाय 180, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे वन पॉइंट जीरो नाइन तो आएगा नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। देखो ऐसे एक क्वेश्चन गेट 2007 का है, तो बहुत ही टफ पेपर आईआईटी वालों ने बनाया था, ठीक है। तो आज भी इसके क्वेश्चन जो हैं काफी कंसेप्चुअल है। तो ये साइन इनवर्स आ गया, अंडर रूट एलसी आ गया, और ये डिग्री में आ जाएगा, तो इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेन थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ बिटवीन, तो ये कहां से कहां तक ऑफ है इसको हम देखते हैं। तो यहां से 25.2810 मेन थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ बिटवीन 0 से 25, 25 से 50, तो मेन थायरिस्टर ऑफ है कहां से कहां तक, ठीक है। तो अगर हम टी टू निकाल लें तो यहां से पाई तक तो ऑन है, फिर यहां तक ऑन है, फिर यहां के बाद टर्न ऑफ हो रहा है। तो टी टू अगर हम निकालेंगे, टी टू अगर हम फाइंड आउट करें यहां पे, तो ये आ जा रहा है 1.098 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये टी टू आ गया ना, तो कितने समय के बाद ऑफ है, तो उधर उधर पाई है, उधर थीटा कितना है, पाई है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो थीटा पाई
टू पाई एफ और ये टी, तो 3.14 बाई 2 पाई, ओ सॉरी, तो कम्यूटेशन सर्किट की बात हो रही है तो यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो ऐसा करते हैं, ये T2 निकला है, T2 मेरा समय है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये समय भी तो चाहिए मुझे, इसके बाद ऑफ हो रहा है, ये समय हम निकाल रहे हैं, तो ये समय कितना होगा? अगर इस समय की बात करें तो ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई है, तो टी कितना है? पाई बाई ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा नॉट कितना है? अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी, ठीक है, और अंडर रूट एल सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 15.899 इंटू पाई, दैट इज 3.14, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15.899 इंटू 3.14, तो ये कितना आ जाएगा? 49, ओके, 49.922 माइक्रो सेकेंड, तो दोनों समय को जोड़ दो, यस, टोटल समय कितना हो जाएगा? +1.098, तो ये आ जाएगा 51, तो 51.02 माइक्रो सेकेंड के बाद, यस, नाउ वी हैव गेट द रिजल्ट, तो 51.02 माइक्रो सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम T2 निकाल रहे थे ना, हमें तो वो समय भी चाहिए जो स्टार्टिंग से T=0 से लेके पाई तक रहा है, तो वो टाइम कितना है? 49.922 सेकेंड माइक्रो सेकेंड, और ये T2 जो समय है 1.098, दोनों को ऐड कर दोगे तो 51.02 माइक्रो सेकेंड के बाद क्या हो रहा है कि थायरिस्टर मेरा टर्न ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब 50 माइक्रो सेकेंड से बाद का जो भी समय रहेगा तो उसमें मेन थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ रहेगा, तो 0 से 25, नो दिस इज द इनकरेक्ट, 25 से 50, 51 के बाद, है ना, इस रेंज में नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, 50 से 75, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, डी इज अगेन रॉन्ग, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन था, गजब का कंसेप्ट, ठीक है, तो 2007 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, चलो नेक्स्ट, द एलसी सर्किट शोन इन द फिगर हैज एन इंडक्टेंस एल इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस सी इक्वल टू 10 माइक्रो फराड, द इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर इज 0 व्हाइल द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 100 वोल्ट, द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, द करंट आई थ्रू द सर्किट इज, ठीक है, तो चलो ये तो आसानी क्वेश्चन है, करंट हमने डिराइव किया था एलसी सर्किट में कि करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, करंट किसके क्रॉस पूछा गया है, सॉरी करंट थ्रू द सर्किट, दैट इज ये हमने डिराइव किया था करंट का इक्वेशन, दैट इज वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, तो इनिशियल करंट इंडक्टर के अक्रॉस कितना है? 0 है, इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर के अलोंग है वो 100 है, सोर्स से कनेक्टेड है नहीं, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, यही इक्वेशन है, साइनसॉइड के फॉर्म में इक्वेशन होगा, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी एस फाइंड आउट, वी एस गिवेन है क्वेश्चन में, दैट इज इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज, दैट इज द 100, अंडर रूट सी बाई एल सी 10 माइक्रो फराड, और एल कितना है? एल है 1, तो 10 बाई एल, 10 बाई एल, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, तो 100 10 10 टू द पावर -3 साइन, एंड ओमेगा नॉट इज 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो एल कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -3
और सी कितना है 10^-6, ठीक है, कितना आ जाएगा 10^-9 आ जाएगा। तो एल है 10^-, सॉरी 1 × 10^-3, और ये है 10 × 10^-6 है ना, तो एक 10 और आएगा, वही मैं कहूँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10^-4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 10^4 t हो जाएगा, ठीक है, 10^4 t हो जाएगा, सही है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 × 10^-1 हो जाएगा, ये 10^-2, ठीक है। तो साइन 10^4 t, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, साइन 10^4 t। तो करंट का जो एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा, 10 दैट विल फ्लो इनटू दिस सर्किट, 10 साइन 10^4 t, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर, 10 साइन 10^4 t, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 साइन 10^4 t एम्पियर। So this will be the right answer for this question. Okay. So coming to the next question, this question was asked in GATE 2010 for 2 marks. That is question number 5. A voltage commutated chopper circuit operated at 500 hertz is shown below. Okay. And the next part is, if the maximum value of the load current is 10 ampere, then the maximum current through the main एक्चुअली थायरिस्टर विल बी। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि आज का जो सेशन है, इस सेशन को देखने से पहले आप लोग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1 से जो 4 बना हुआ है, ठीक है, इस प्ले लिस्ट में उसको देखें, क्योंकि उसमें कम्यूटेशन सर्किट जितने भी हैं, करंट कम्यूटेशन है या वोल्टेज कम्यूटेशन है, तो सारी चीजों को हमने वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वहां पे दिए हुए हैं, तो आप वहां पर जाएं और एक बार देखिए। तो ये वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि इन केस ऑफ वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर क्या होता है, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट 10 एम्पीयर दे रखा है, तो मैक्सिमम करंट मेन थायरिस्टर के लोग कितना जाएगा, पहले मेन थायरिस्टर की बात करते हैं। तो हम यहाँ बताए थे, यहाँ पर केसीएल लगाओगे तो इधर जाने वाला करंट और लोड करंट यही तो होगा। तो जब केसीएल तो परफॉर्म करोगे तो जो मेन थायरिस्टर है उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट प्लस करंट अक्रॉस द एलसी एलसी सर्किट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आई नॉट प्लस, और मैक्सिमम करंट कितना होता है एलसी सर्किट में, दैट इज वी एस सी वाई एल। तो जस्ट आप इसको फाइंड आउट कर लें। तो जो भी इससे इस पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है उस वीडियो में, तो आप वहां पे जाके देखिए कि ये सब इक्वेशन कैसे आया है, ठीक है। तो टेन प्लस वी एस सोर्स वोल्टेज इज 200 सी वाई एल, सी कितना है 0.1 10^-6 डिवाइडेड बाय एल कितना है 1 mH, ठीक है, 1 mH 1 × 10^-3, कितना आ जाएगा 10 + 200। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10^-2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एम्पीयर।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। तो मेन थायरिस्टर के अंदर जो मैक्सिमम करंट है ना वो कितना है, वो 12 एम्पियर है। नेक्स्ट है एक्सिलरी थायरिस्टर के अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा, तो हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सिलरी थायरिस्टर है उसके अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा वो लोड करंट के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लोड करंट गिवन है दैट इज द 10 एम्पियर। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज 12 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, ये राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2011 फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो जो भी कंसेप्ट है इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पर जाके एक बार वीडियो जरूर देखें, तो सारी चीजें जो है वहां पर डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन थायरिस्टर को ऑन करते हैं। इस मेन थायरिस्टर को सबसे पहले हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। इनिशियल एडप्शन जो है वो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वो मान लेते हैं कि Vs है और करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो जब हम थायरिस्टर मोड वन में जब थायरिस्टर को तुम ऑन करोगे तो क्या होगा, इसके अक्रॉस की जो पोलैरिटी है वो प्लस और माइनस थी पहले, तो अब ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। जब डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इसकी जो पोलैरिटी हो ऐसे हो जाएगी और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अभी टी ए मेरा ऑन नहीं है, तो जब ऐसे करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सॉरी क्योंकि टी ए तो ऑन है नहीं, ठीक है, क्योंकि टी ए तो ऑन है नहीं, तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और एलसी सर्किट में करंट का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है, ये ऑफ है, करंट ऐसे रिवर्स फ्लो कर रहा है, तो जब करंट की जो इक्वेशन होगी यहाँ पे वी एस अंडर रूट सी वाई एल साइन ओमेगा नॉट टी होता है, ठीक है, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एलसी। तो एलसी सर्किट का बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है कम्यूटेशन सर्किट को समझने के लिए। तो लेक्चर नंबर वन में पूरा का पूरा एलसी सर्किट में ही हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो जब यहां तुम लगाओगे केसीएल तो आई एम विल बी इक्वल टू एलसी सर्किट में जाने वाला करंट, दैट इज दिस प्लस लोड करंट, यही तो होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो वी एस अंडर रूट सी एल प्लस 10 ले लोगे, ठीक है ना। तो मोड टू की अगर बात करेंगे तो मोड टू में कैपेसिटर जब फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये माइनस क्या करेगा, इस मेन थायरिस्टर को ऑफ कर देगा, और ये प्लस क्या करेगा, इस डायोड को भी ऑफ कर देगा। तो सेकेंड मोड में, मोड सेकेंड में हमने क्या बनाया था, ये इस तरह से, इस तरह का एक सर्किट बनेगा इस तरीके से, ये ऑफ है मोड टू में, ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे जाके देखिए, तो इस तरह का लूप फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह का लूप फॉर्म होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, और इस तरह से करंट फ्लो करेगा। इसको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये दोनों ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे जैसे ही ये माइनस प्लस होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, अब ये ऑन हो सकता है। जब एक्सिलरी थायरिस्टर ऑन हो सकता है तो जब ट्रिगरिंग करेंगे, जब गेट को ट्रिगर करेंगे तो ये ऑन होगा। तो जैसे ही तुम ऑन करोगे तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो माइनस वी एस, जब केवीएल लगाओगे माइनस वी एस, यहाँ का वोल्टेज क्या माइनस वी एस, ठीक है, और यहाँ पे का वोल्टेज प्लस माइनस वी नॉट है, तो आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस ऑफ वी एस हो जाता है। और जैसे ही तुम टी ए को ऑन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस ऑफ वी एस के बराबर हो जाता है, और धीरे 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 क्या हो रहा है, जब ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो एक्चुअली थायरिस्टर जो है वो फुल एक्चुअली थायरिस्टर सॉरी ये जो कैपेसिटर है वो फिर सोर्स से कनेक्ट हो जाता है और ये फुल चार्ज होने की कोशिश करता है, फिर इसकी पोलैरिटी प्लस टू माइनस हो जाती है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे माइनस वी एस प्लस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ मोड टू, एट द एंड ऑफ मोड टू। तो जैसे ही तुम एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू एक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करोगे तो क्या होगा, ये ऑन होने के साथ ही माइनस वी एस, और इसकी पोलैरिटी कंप्लीटली डिस्चार्ज है, माइनस वी एस हो जाएगी प्लस वी नॉट, तो आउटपुट वोल्टेज को तुम कहोगे ट्वाइस ऑफ वी एस हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही टी ए को ऑन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस ऑफ वी एस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये माइनस टू प्लस है, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये माइनस की वजह से ये ऑफ हो जाएगा, ये प्लस की वजह से ये डायोड ऑफ हो जाएगा,
तो लेकिन ये जो थायरिस्टर है ना, जैसे ही तुम ऑन करोगे तो माइनस वी एस, यहाँ का वोल्टेज माइनस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो वी नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एस हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों डिवाइस ऑफ रहेंगे तो अगेन कैपेसिटर विल फुल चार्ज बाय अ वोल्टेज दैट इज द वी एस, ठीक है। तो जब केवीएल लगाओगे तो एट द एंड ऑफ मोड टू माइनस वी एस प्लस वी एस हो जाएगा, प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज विल टेंड टू जीरो उस केस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा ग्राफ वगैरह हमने बताया था, तो चलो बेसिकली इस प्रॉब्लम में तो सारा डिटेल्स जो है ना वो हमने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में। तो आप लेक्चर नंबर 1 से 4 देखे, आई थिंक वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर जो है वो लेक्चर नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है, अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे केसीएल परफॉर्म करना था, तो मोड 1 में आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि मोड 1 में जब तुम केसीएल लगाओगे तो आई एम विल बी इक्वल टू एलसी सर्किट में जाने वाला करंट प्लस लोड करंट, तो 10 प्लस वी एस अंडर रूट सी एल, यही तो मैक्सिमम करंट होगा। कैपेसिटर एलसी सर्किट में जाने वाला करंट दैट इज द आईसी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वी एस अंडर रूट सी बाय एल। तो यहां से हम 12 एम्पियर निकाल लिए, और जो एक्जुलेट थायरिस्टर है उसमें मैक्सिमम कब जाएगा, उसमें तभी जाएगा मोड 2 में, जैसे तुम टीए को ऑन करोगे तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा यही लोड करंट क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, विच इज द मैक्सिमम करंट अक्रॉस द एक्जिलरी थायरिस्टर। देखो ठीक है, इस तरीके से दिस विल बी द मैक्सिमम करंट विच विल पास थ्रू द एक्जिलरी थायरिस्टर, ओके। व्हेन द मोमेंट व्हेन द टीए विल बी ऑन, द मोमेंट व्हेन द टीए विल बी ऑन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारा चीज था जो हमने डिस्कस किया था वहां पे लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो आई नॉट जो है लोड करंट जो मैक्सिमम करंट होगा जो एक्चुअली थायरिस्टर के अलोंग फ्लो करेगा द मोमेंट व्हेन द टीए विल बी ऑन एट द स्टार्ट ऑफ मोड 2, एट द स्टार्ट ऑफ मोड 2, क्लियर है। इसके अलोंग जो करंट होगा वो आई नॉट होगा, ठीक है। चलो तो आई नोट कितना दे रखा है इस प्रॉब्लम में, दैट इज 10 एम्पियर, सो द मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द एक्चुअली थ्रस्टर विल बी 10 एम्पियर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ओके। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो शेयर दिस चैनल टू मैक्सिमम ग्रुप सो दैट मैक्सिमम व्यूअर्स कैन अटेंड, मैक्सिमम पीपल विल व्यू दिस वीडियो, एंड इसको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है आप लोगों को, आप लोगों का काम है ताकि मैक्सिमम व्यू मिले इस वीडियो में और मैक्सिमम लोग इस वीडियो को अटेंड करें, ठीक है। तो आपके प्रयास पर ये सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, ओके, फाइन, थैंक यू।